मेरे को तो लग गई रहूंगी। साइदा खान और नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूँ। और अभी शाम हो गई है, चाय वाय पी ली हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा जाना है गार्डन, और गार्डन से आके फिर शाम के लिए कुकिंग करनी है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो थोड़ा चाय बना के पी ली, और आज थोड़ा जल्दी जल्दी खाना बनाना है तो गार्डन से थोड़ा घूम के आती हूँ। क्योंकि आप लोग अगर देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग कंटिन्यू, तो मैं थोड़ा बाहर गई थी और आज ही मॉर्निंग में आई हूँ। सो इससे पहले वाले सारे ब्लॉग्स देखना भूलना मत, तो फिर आप लोग को मेरे रूटीन्स पता चलेंगे। तो चलिए चलते हैं गार्डन। देखा तुम लोग? देखा मैंने, इसने भी देख लिया मोबाइल पे। मेरे को नेट नहीं। हाय बोल। हाय। ये पहले भी है मेरी वीडियो में और स्वयं भी है। तो बहुत शर्माता है कैमरा से, देखो तो लग ही रहूंगी। गार्डन से आने के बाद थोड़ी देर आराम आराम करके मैं आ गई हूँ खाना पकाने के लिए। तो इस प्रेशर कुकर पे मैं बनाऊंगी मटर पुलाव। तो उसके लिए मैंने दो अनियन चॉप करके डाल दिए। ऐसे मैं मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ, और यहाँ पे जीरा और तेज़पत्ता साथ में अच्छे से इसे भून लूँगी। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है क्योंकि अनियन जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसलिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक और जीरा का पेस्ट। तीनों को एक साथ ही मैं पेस्ट बनाती हूँ, और वही मैंने ऐड किया है। अब इसे भी अनियन के साथ अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैं चार पांच हरी मिर्ची बीच में से कट करके डाल दी हूँ। अब थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और डालूँगी थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, और यहाँ पे मैं एक चम्मच जितना घी ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और मसाले मेरे अच्छे से भून चुके हैं। यहाँ पे मसाला थोड़ा सा लग गया है, कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। और अब मैं डालूँगी मटर। यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न मटर था तो मैंने वही यूज़ किया। वैसे मटर को काफ़ी टाइम तक फ्रोज़न करके रखा जाता है और कभी भी यूज़ कर सकते हो उसको। मैं वैसा ही करती हूँ, बहुत सारे मटर एक बार ले लेती हूँ और उसको नॉर्मल फ्रिज में रखने के बजाय डीप फ्रिज में रख देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा चल जाता है काफ़ी दिनों तक। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फ्लावर। ये फ्लावर को पहले मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया था और वही मैं ऐड कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं बासमती राइस पहले से भिगा के रखी थी, अब मैं राइस भी ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से सारे चीज़ों को भून लेना है।
कोई भी पुलाव बनाने के टाइम अगर बासमती चावल यूज़ करते हैं ना, तो जो राइस बनती है ना, देख के ही दिल खुश हो जाता है। अब सबको अच्छे से बढ़िया से भून लेना है, मसाले के साथ एकदम मिक्स कर देना है कि एक दूसरे के साथ मिल जाए। और ये मटर अभी तक गले नहीं है, मतलब उसका बर्फ़ नहीं गला। और अब मैं ऐड करूँगी एक बड़ी सी टमाटर, मैंने रफली चॉप कर लिया। अब है सब की बारी, अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छे से यहाँ पे चावल भुन रहे हैं, एकदम एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। और अब ऐड करूँगी पानी, जितना चावल ऑब्वियसली उसका डबल पानी नहीं प्रेशर कुकर में, तो जो चावल है ना वो नरम हो जाएंगे। अगर एक कप चावल है तो उसके लिए 1.5 कप पानी देना प्रेशर कुकर में, तो ही अच्छे चावल बनते खिले खिले। और यहाँ पे मैं सबको अच्छे से मिला दे रही हूँ। और इस टाइम थोड़ा सॉल्ट भी चेक कर लेना पड़ता है, अगर कम है तो थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है। कम होता है तो लेके खा सकते हैं, पर ज़्यादा हो जाता है तो उसका कोई जुगाड़ नहीं रहता है। और अब मैं प्रेशर कुकर का जो लीड है वो लगा दूँगी। कभी भी सीटी के साथ लीड नहीं लगाना है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। और वैसे मुझे प्रेशर कुकर से बहुत डर लगता है, इसके लिए मैं यही वाला यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ पे ये है आलू वड़ी जो बॉयल हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया, यहाँ पे मैं फिश फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि जो फिश है उसमें है ना काफ़ी सारा ऑयल रिलीज होने वाला है। बासा फिश है, बासा फिश में बहुत ऑयल रिलीज होता है, देख सकते कितना सारा ऑयल रिलीज़ किया इसने। तो यहाँ पे फिश फ्राई हो रही है और दूसरी साइड हमारी जो पुलाव है वो बन चुकी है। अब हम इसे चॉप कर लेंगे, ये आलू बड़ी को। बेसिकली ये कच्चू का पत्ता है और इसे मसाला वगैरह देके एंड बेसन देके इसे स्टीम किया जाता है, उसके बाद डीप फ्राई। तो यहाँ पे इसे मैं चॉप कर रही हूँ। और जिन लोग महाराष्ट्र हैं उन लोगों को गुजरात में होता है, मे बी पात्रा बोलते हैं जो पत्ते का बनता है। और यहाँ पे अभी मेरी तेल गर्म हो गई, जैसे जल्दी से मैं फ्राई कर लूँगी। और वैसे आज बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं था, इसके लिए सिंपल सा खाना बना लिया, पुलाव और फिश फ्राई। और ये पत्ते आ गए थे, मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को दिखाई थी कि मैंने काजू से मंगाया था। जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ तो 2-4 पत्ते मंगा लेती हूँ एक टाइम बनाती हूँ, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। और ये फ्राई हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। कुकिंग ऑलमोस्ट डन, मटर पुलाव, फिश फ्राई और इसे क्या कहते हैं, हाँ आलू बड़ी, कच्ची के पत्ता को मसाला देके स्टीम किया जाता है एंड देन फ्राई। तो आप शॉर्टकट में किया, पार्क से आने के बाद थोड़ा सा बैठ गई थी, बहुत ही थक गई थी, थोड़ा आराम किया एंड देन फिर खाना बनाने के लिए आई है। बस अभी खाना भी बन गया, हाथ में धोके खाना खाएंगे। और यहाँ पे है एक कास्ट आयरन की कढ़ाई, जिसको मैंने अभी अभी नया लिया है, इसको मैंने मीशो से परचेस किया था। और इसे सीजनिंग करना बाकी था, लास्ट टाइम मैंने जब इसे ऑयल लगा के गरम किया था तो ये पूरा जल गया है, तो वही मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसको अभी फिर साफ़ करके फिर से मैं इसे गरम करूँगी, और भी 1-2 बार गरम करना पड़ेगा, तो उसके बाद जाके अच्छे से होगा। तो मैं अभी इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ, फिर मैं इसे ऑयल लगाऊँगी, लगाने के बाद फिर इसे गरम करना है। और यहाँ पे ये जल गया है, जो वो निकला नहीं है, इसे शायद से मुझे बेकिंग पाउडर देने के निकालना पड़ेगा। तो आज इसे गरम कर लेते हैं एंड कल फिर से अच्छे से वॉश करके फिर से सीजनिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में ही बिगड़ गया ये,
अब थोड़ा सा ऑयल लगा ली हूँ और अब गरम करके बस मेरा किचन का काम ख़त्म। ये गरम हो चुका है, इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे खाना रेडी है, सलाद, फिश फ्राई और आलू बड़ी और पुलाव। बस अब खाना वाना खा लेती हूँ। खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे मेरी चम्पी हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ऑयलिंग नहीं करी थी और आज मैं लगा रही हूँ। एम कैफीन का जो कॉफ़ी ऑयल है, नेकेड एंड कॉफ़ी ऑयल है, वो लगा रही हूँ। ये वाली ऑयल मुझे काफ़ी पसंद आई है, इसके रिव्यूज़ भी मैंने शेयर किए थे अपने चैनल पर। आप लोग को अगर चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर सकती हूँ। पूरा जो कॉफ़ी रेंज आया था हेयर केयर के लिए, मैंने पूरे रेंज का रिव्यू किया था, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आज की व्लॉग वैसे ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है, सो फिर अगले कोई व्लॉग में फिर मिलते हैं। गुड नाइट।